हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं ले आई हूँ आपके लिए दाल पालक की सब्ज़ी। तो ठंडियों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी मूंग दाल को उबाल लिए हैं अच्छे से। उसमें मैंने 1 मुट्ठी पालक अच्छे से धो के साफ़ करके दाल के साथ ही मैंने उबाल लिए। अब एक पैन ले लिया है। पैन में देखिए आप, मैं छोटे छोटे प्याज करके उसमें पैन में उसमें डाल दी हूँ। जब प्याज और लहसुन और अदरक सौते हो जाए तो जो दाल आपने उबाल के रखी है वह आप इसमें ऐड कर देना और अपने हिसाब से मसाले इसमें ऐड कर देना। तो आप देख रहे हो कि मेरे प्याज थोड़े थोड़े सिक गए हैं, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छे से इसको भून लीजिए। हल्दी पाउडर डालने के बाद तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारी ये मसाले जो कच्चे रह जाते हैं तो इसकी स्मेल आने लग जाती है सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स, जो भी मसाले आप डालो उसको अच्छी तरह से भून के डालो। तो देखिए, हल्दी पाउडर डालने के बाद ये प्याज कैसे हो गए हैं, अच्छे से ये भुन गए हैं। तो अभी जो दाल उबाल के रखी थी मूंग की दाल विथ पालक, मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये काफ़ी यम्मी दोस्तों बनती है और काफ़ी टेस्टी और आपके लिए भी अच्छी है, बच्चों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि बच्चे जो ऐसे पालक खाना चाहते नहीं है। तो आप इस तरह से आप पालक ऐड करके दाल पालक बना सकती हो। और मैंने इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर दिया है, जो उससे क्या होता है टेस्ट भी अच्छा होता है और देखने में भी सब्ज़ी या दाल जो भी है वो अच्छी लगती है। तो इस तरह से इसको अच्छे से बॉयल उबाल आने तक इसको थोड़ा सा पका लीजिए। तो आप देख सकते हो इसका कलर कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है देखने में। तो ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ किस तरह से लग रहा है। तो आप इसको ना पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हर चीज़ के साथ में ये जो दाल पालक की रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत लोग बनने के बाद इसमें नींबू भी डाल देते हैं। नींबू ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, डॉक्टर्स भी मना करते हैं। थोड़ा बहुत खा सकते हो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। देखिए, तो आज मेरी लंच की थाली में क्या है, राइस, आलू चोखा और दाल पालक, जो काफ़ी टेस्टी है दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।